नमस्कार मॉर्निंग बुलेटिन अर्गस सुपरफास्ट सहित मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान दुई दुई थर बातिल हेबा परे आज अनुष्ठित हेउची पिपिली उपनिर्वाचन सकाळ 7टारु संध्या 6टा पर्यंत मतदान हेबो समुदाय 2.30 लाख वोटर सेमानक मताधिकार सब्यस्त करिवे निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करथुबा 10 जण प्रार्थीक राजनैतिक भाग्य निर्णय कराजिवो निर्वाचन मंडली अंतर्गत पिपिली और डेलांग ब्लॉक रो 348 बूथ रे एही मतदान अनुष्ठित होउछि एथिरु 201 गोटी बूथ को संवेदनशील बूथ भाबे चिन्हट करा जायथिबा बेले सुरक्षा व्यवस्था कडाकडी करा जायछि सकाळ 6:30 रु सकाळ 10टा जाय प्रथम पर्याय 10टा रु अपराह्न गोटाय जाय द्वितीय पर्याय अपराह्न गोटाय रु अपराह्न 4टा जाय तृतीय पर्याय समय स्थिर करा जायछि उपनिर्वाचन रे समुदाय 1490 जण कर्मचारी नियोजित अछंति सुरक्षा पई 3 कंपनी बीएसएफ को पई 2000 पुलिस कर्मचारी नियोजित अछंति आज राजस्थान रा जयपुर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं चारोटी मेडिकल कॉलेज रो भित्ति प्रस्तर उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन 11टा समय रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे प्रधानमंत्री उद्घाटन करिवे उद्घाटनी उत्सव रे प्रधानमंत्री मोदी को सह राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया मध्य उपस्थित रहिबे राजस्थान रा बांसवाड़ा सिरोही हनुमानगढ़ एवं दौसा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जिवो लघुचाप बळे प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे वर्षा आज मयूरभंज एवं केन्दुझर रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा छेचिबा संभावना रहिछि सुंदरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक बालेश्वर रे प्रबल वर्षा हेबो आभ्यंतरीण ओडिशा रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुमान करा जायछि अनेपटे अक्टोबर पहिलारु 4 दिन वर्षा कमिबा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाक केन्द्र जगतसिंहपुर और पुरी जिले में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होता बेले 6 जिले में नियंटिया वर्षा रही बाकी 22 जिले में स्वाभाविक वर्षा होता नहीं पाणीपाक विभाग पक्षर सूचना दी पुलिस थाना भितर युवती माड़ मारी उठाई ने परिवार लोके गजपति जिला मोहना थाना परिसर में देखा मिली अभावनीय घटना जड़े बहित युवती थाना परिसर पुलिस उपस्थित रे माड़ मारिबा सह उठाई नेले परिवार लोके हिकिरीकुपा गाँव रुना नायक बाघमारी गाँव जड़े युवती प्रेम करुथले तेबे झियो घर लोके विवाह पई अराजी हेबारु पुओ एवं झियो गत 23 तारीख रे मोहना ब्लॉक कार्यालय रजिस्टर मैरिज करुथले सेपटे एने परिवार लोके थाना रे निखोज अभियोग कराइथिले पुलिस उभय युवक एवं युवती मोहना थाना हिकिरीकुपा ग्रामरु डकाई मोहना थाना को आनी तदंत करुथिले किंतु थाना भितर को हठात युवती परिवार लोकंक सह 50 रु ऊर्ध लोके थाना रे धसई पसिबा सह झियो को टाणी टाणी उठाई नेथिले तेबे सेठारे पुलिस नीरव द्रष्टा साजिथिला एहा परे पुओर ग्रामवासी पुलिस रो नीरव द्रष्टा को प्रतिवाद करिबा सह थाना घेराव करथिले फुलवाणी मेडिकल रे चिकित्सा अवहेलारु शिशु कन्यार मृत्यु हेबा सह जणे शिशु पुत्रर गोड़ भांगिथिबा अभियोग होईछि कंधमाल जिला मुख्य चिकित्सालय फुलवाणी रे शिशुंक चिकित्सा रे अवहेला घटना पदाकु आसछि चिकित्सा सेवा जोगाइबारे अवहेला जोगु जणे नवजात शिशु कन्यांकर मृत्यु होईथिबा बेले अन्य जणे शिशु पुत्रर गोड़ भांगि जाइछि उभय घटनारे नर्स एवं डाक्तरंक अवहेला जोगु एपरि अघटन घटिछि बोली नवजातकंक अभिभावक कहिछन्ति जिला मुख्य चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजश्री पटनायक एही घटना रे एक उच्चस्तरीय तदंत निर्देश देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केन्द्र कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण कर सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी मिली देशर 11 लाख अधिक सरकारी स्कूल एवं सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल छात्र छात्री यार लाभ पाई योजना अधीन छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन दिजाव आगामी 5 वर्ष 1.31 लाख कोटी टंका खर्च मध्यप्रदेश नीमच रतलाम लाइन देहरीकरण को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करपरि मोदी सरकार रप्तानी उपर विशेष ध्यान दिजाऊ केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल सेप्टेम्बर 21 सुधा 185 बिलियन डॉलर रप्तानी हो सारी
ସେହିପରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି 4,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପଞ୍ଜାବ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପଟେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ G23ର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବା କଥା କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। ଏହାସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲାଥିବା କହିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ତାଲିବାନର ଅନୁରୋଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଏବେ ସେଠାକାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଲିବାନ ହାତରେ ରହିଛି। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମରାମତି କରିବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ତାଲିବାନ। ସେହି ହିସାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତକୁ ପୁଣି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛି। ଭାରତର ଡିଜିସିଏକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଲିବାନ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏହା ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ। ତେବେ ଭାରତ ଏଯାଏଁ ତାଲିବାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତାଲିବାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲହାଜ ହମିଦୁଲ୍ଲା ଅଖୁନଜାଦା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆରିଆନା ଏୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜର ଆଣବିକ ନୀତି ବାବଦରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମବାୟ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଲା ଭାରତ। ଭାରତ କେବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତର ଆଣବିକ ନୀତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା। ନିକଟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର୍ ଟୋଟାଲ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ସ। ସେହି ଅବସରରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଭାରତ ନିଜର ଆଣବିକ ନୀତି ବିଷୟରେ ମତ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିପରି ଆଣବିକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। କଟକର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ମଙ୍ଗଳବାର ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଲାଗି ହେବା ପରେ ବୁଧବାର କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ 16 ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶହରାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଶୟନରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କଠାରେ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମାଙ୍କ ଶୟନରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ନିଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଶରତକାଳୀନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର ଏକ 16 ଦିନର ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଶ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ଏହି ଶରତକାଳୀନର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ଏଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ବନ୍ଧ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର। ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମାଗଣା ଖଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମା।
पाखरे एबे दुई झियो अछंती। 3 वर्ष पूर्वे स्वामी छाड़ी गला परे घरर बोझ मा नीतिमा मुंडारी को उपरे काम को गले घरे जळे चुली नहले भोकरे सुंती समस्ते समस्ते सरकारी योजना रो वंचित थिबा बळे गां मुंडरे झाटी उपरे पॉलिथिन टाणी रहउछंती नीतिमा तांको दुई झियो। ईएसआईसी और डिप्रेसरी स्थापन संबंध में केन्द्र श्रम और निजुक्ति मंत्री को पत्र झारसुगुड़ा रे ईएसआईसी उपरे आंचलिक कार्यालय प्रतिष्ठा सह राज्य में 12 स्थान में डिस्पेंसरी शीघ्र खोलने अनुरोध कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यह दुईट प्रसंग में केन्द्र श्रम और निजुक्ति मंत्री भूपेन्द्र यादव को व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़े केन्द्रमंत्री। भुवनेश्वर में ईएसआईसी आंचलिक कार्यालय या कारण पश्चिम ओडिशावासी को यह कार्यालय को जीवाई दूर दूरांतर यात्रा करने को पड़ी। झारसुगुड़ा में ईएसआईसी उप आंचलिक कार्यालय करागले स्थानीय लोकमाने उपकृत हेबे। माटी मृत देह उद्धार घटना अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण कला कोरापुट जिला नंदपुर पुलिस। 27 तारीख में टिकरपड़ा निकटस्थ एक कालू जंगल स्थानीय युवक सुभाष बड़नायक मृतदेह को पुलिस उद्धार करथिला। एने पुलिस तदंत चलाइथिबा बेले घटनार मुख्य अभियुक्त चंद्र खेमुंडु को पुलिस गिरफ्त करथिला। चंद्र खेमुंडु स्त्री युवक अनैतिक संपर्क को नहीं चंद्र खेमुंडु युवक को हत्या करथिबा पुलिस सूचना देछि। पुलिस पक्षरु चंद्र खेमुंडु को कोर्ट चालाण करा जायथिबा जणा पडिछि। वर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय होइछि एक छोट ब्रेक र। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। खोर्धा जिला बालुगा एनएससी चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव माड़ मारिबा घटना बालुगा थाना रे लिखित अभियोग परे मामला रुजु होईछि। घटना को दीर्घ दिन बीती जाइथिले मध्य पुलिस प्रशासन चिलिका विधायक को धरिबा बा गिरफ करिबारे विफल होईछि। एने बालुगा एनएससी नगर मंडल सभापति निरंजन सेठी पुलिस पारिबा पणिया उपरे प्रश्न उठाइछन्ति। एभली जणे दबंग विधायक काहेकि सुरक्षा देउछि पुलिस से प्रश्न करिछंती। अनुगुल जिला कणिहा स्थित ब्राह्मण देई ब्रह्मचर्य आश्रम रे ज्ञान विज्ञान सौरभम पुस्तक उन्मोचित होईछि। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी लक्ष्मणानंद महाराजा तथा गजपति महाराज जगद्गुरु परम पूज्य पुरीपीठ आदिश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज द्वारा प्रतिष्ठित आश्रम रे ज्ञान विज्ञान सैलभम पुस्तक भगवतर गीतार सप्तम अध्यायर संपूर्ण व्याख्या एक प्रवचन भंगरे पुस्तक उन्मोचन कर। भुवनेश्वर उत्कल हॉस्पिटल पक्षर बुधवार वर्ल्ड हार्ट डे अनुष्ठित हो किपरी लोक माने रक्षा करिबे से नहीं एक राली मध्य अनुष्ठित होई। राली रे हॉस्पिटल कर्मचारी एवं स्थानीय बासिंदा अंशग्रहण करथिले। यहसह केउ उपाय अवलंबन कले हार्ट जनित समस्या रक्षा पाइबे से नहीं लोकमानंकु सचेतन करा जायछि। एक्सिस बैंक तरफ आर्थिक अंतर्भुक्त सामाजिक सज्जीकरण नहीं एक कर्मशाला अनुष्ठित हो जायछि। आजर मुख्य विषय थिला आवाजस फॉर संवाद ओडिशा सहरी हाउसिंग मिशन सहयोग रे एही योजना कार्यक्रम होईछि। ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना उभय सहरांचल और ग्रामांचल रे कार्यकारी होईछि। सहर रे एपर्यंत 72,000 योग्य हिताधिकारी घर जोगाई दिया जाइछि। 2,00,000 घर 2022 मसीहा सुधा संपूर्ण होगा लक्ष्य रखा जाइथिबा ओडिशा सहरी गृह निर्माण मिशन रो निर्देशक श्री सुशांत कुमार मिश्र कहिछन्ति। भारत स्वाधीनता हेबार 75 वर्ष उपलक्षे किट यूनिवर्सिटी ठारे आजादी की अमृत महोत्सव पालन हो जाइछि। या सहित पोषण मास कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। शिशु सुरक्षा अध्यक्ष संध्यावती प्रधान यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोग देते अन्य पूर्वतन खाद्य कमिश्नर सिप्रा मल्लिक एवं सुलता देव प्रमुख यह कार्यक्रम में उपस्थित थे।
रंभा विज्ञपित अंचल परिषद 6 नंबर वार्डे बालुंकेश्वर मंदिर प्रांगण में आजादी का अमृत उत्सव अनुषित हो एनएसी कार्यनिर्वाही अधिकारिणी श्रीमती स्वप्नाराणी पाढ़ी अध्यक्षतार एक सभार आयोजन कर स्वच्छ साथी आरंभ कर सफेई कर्मचारी और प्रत्येक वार्डर महिला और पुरुष मैंने सामिल होते कार्यक्रम में स्वच्छ साथी एवं सफेई कर्मचारी मानंकु संबर्धित करा जायतिला। बालेश्वर जिला औपदा वन विभाग अधीन गड़साही पंचायत माझी साही गांव चाष जमीन हाथी उपद्रव यह गांटी देवगिरी पहाड़ पादेश दस रु ऊर्ध हाथीपल आसी चाष जमीन पशि क्षयति करती पहाड़ राति हाथी प्रत्येक दिन आसी एकर एकर जमीन पशि व्यापक क्षयति कर फल चाषी माने धार कर्ज करी चाष करथिबा बेले फसल नष्ट हेबारु धार टंका किपरि सुझिबे चिंता रे एबे चाषी गंजाम गांगपुर थाना कुलांगी ग्राम रे विद्युत आघात रे जने व्यक्ति को मृत्यु घटना अंचल रे शोकर छाय खेलाई देछि। कुलांगी ग्राम रो बुंदावन बेहरा चटिया स्वाई घरे श्रमिक भाव कार्य करुथिले से हठात पानी पंप्रे विद्युत मोटर संस्पर्शे आसीजा फल गुरुतर भाव आहत होगा सहित घटनास्थल ही मृत्यु घटी। घटना संपर्क में मृत बृंदावन पु पिंटू गांगपुर थाना जनवा पर पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजुकर तदंत चल। खोर्धा बनखंड टांगी बनांचल 16 नंबर जातीय राजपथ गोड़ीपड़ा छक निकटने बेमात भाबाठारे दंता हाथी दिन में निकटस्थ संरक्षित जंगल में रोकता बेले बुधवार राति खाद्य अन्वेषण में दंता हाथी जनबसती मुहां होता देखा मिली। जंकिया गोड़ीपड़ा ग्राम पंचायत विभिन्न जगार हाथी चलप्रचल कर लोके भयभीत अच्छा। युव विकास परिषद रायगड़ा पक्षर् जिला मुख्य चिकित्सालय सुपर स्पेशलिस्ट डाक्तरखाना मान्यता दाबी करा। बुधवार परिषद पक्षर् मझी घरियाणी मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण आंदोलन करा सहित जगन्नाथ मंदिर परिसर में संध्या पांचटा पर्यंत शांतिपूर्ण आंदोलन करा। आंदोलन आसंता सात मास व्यापी संपूर्ण रायगड़ा जिलार प्रत्येक पंचायत में जारी रहिबाने सूचना देछंति युव विकास परिषद सभापति। मयूरभंज जिला झारपोखरिया थाना अंतर्गत जातीय राजपथ 18 अंधारी छक अंचल 7 फुट लंबर अजगर साप उद्धार करा। बुधवार संध्या प्राय 8टा समय अंधारी छक निकट में सापटी को स्थानीय लोके देखिथिले। यापर शीर्षास्थित साप धराली मानंकु खबर दिया जाइथिला। निर्मल देहुरी और प्रभास खमारी घटनास्थल में पहुंचे सापटी को उद्धार करी बांगेरी पोसी बनांचल रेंजर अजय दासंकु हस्तांतर करथिले। जाजपुर जिला बैतरणी नदी में पुणी कुंभीर आतंक मनीष को टाणी नेला कुंभीर। दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत कया अंचल एभली अभावनीय घटना घटी जहाँ को स्थानीय अंचल आतंक देखाई। कया पंचायत इच्छापुर निकट में कुंभीरटी नदी कूल चरुवा मईसी को टाणी नहीं गत किदिन ते दत्तपुर नरणपुर ठारे एक कुंभीर घुषुरी को टाणी नहीं घटना बारंबार देखादेले हे प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप अभियोग। जातीय स्तर में ओडिया पुओं सफलता डेलीवुड तरफ नुआ दिल्ली में आयोजित होता मिस्टर इंडिया प्रतियोगित डबल टाइटल जीति ब्रह्मपुर पुओ भी आंकन कुमार पात्र। भुवनेश्वर एक घर कंपानी में सॉफ्टवेयर डेवलपर भाव कार्य करुवा आंकन मोस्ट एंटरटेनिंग एवं मोस्ट पॉपुलर अवार्ड जीति दुईट सफलता हासिल करने निजर पर लोक कृतज्ञता जनाइबा सह सेमानंकु निज सफलतार श्रेय देछंती आंकन राज्य पाई गौरव आनिथिबारु बेस खुशी थिबा व्यक्त करिछंती आंकन। एही वर्ष मिस्टर इंडिया 2021 रो फाइनल न्यू दिल्ली रे हेतिला हॉलिडे इन रे आउ सेठारे मु निजोकु रिप्रेजेंट करथिली भुवनेश्वर को आउ सेठारे मते बहुत सपोर्टिव भी मिलिला ऑफिस रो देन जो ऑर्गेनाइजेशन करथिला से माने भी बहुत सपोर्टिव करिले एन बहुत पांच दिन काल आमे बहुत परिश्रम करी दुईटी टाइटल मु जितिछि गोटे होछि मिस्टर दुर्गा पूजा को नहीं पुलिस सेवा भवन में गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। कोविड कटकणा भितरे किपरि पूजा हेबो सेनी पूजा कमिटी सह
पुलिस कमिशनर आलोचना करिछंती। बैठक में उपस्थित थिले पूजा कमिटी सदस्य, पुलिस कमिशनर, अतिरिक्त कमिशनर और भुवनेश्वर डीसीपी। पूजा समय पुलिस पक्षर समस्त सहयोग जोगाई देवाकु प्रतिश्रुति मिली। कटकणा को मानि पूजा करने पुलिस तरफ निवेदन करा जाइछि। डीआरडीओ तथ्य लिंक घटना इंटरपोल सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच। डीआरडीओ घटनारे बाहरी विदेश लिंक से इंटरपोल सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच। खाली से नुहे जेहेतु बैंक अकाउंट फोन विदेश लिंक रही महिला विदेश रही ऑपरेट कर क्राइम ब्रांच इंटरपोल सहायता ने। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना आसला लाइ डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच पाखे पहुंचला विद्या भारती डीएफओ एवं रोसेयार रिपोर्ट। तदंतकारी टीम रिपोर्ट उपरे करुछि तर्जमा। पुराणा बयान सह लाइ डिटेक्शन रिपोर्ट को अनुध्यान करुछि क्राइम ब्रांच। रिपोर्ट आसीबा परे तर्जमा करा जाउथबा सूचना देले क्राइम ब्रांच एडीजी। रिपोर्ट आधार खूब शीघ्र आगक बढ़िबो तदंत। भुवनेश्वर प्राय 4 घंटा धरी चलीथिला विद्या भारती लाइ डिटेक्शन टेस्ट। एहा पूर्वरु डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा लाइ डिटेक्शन टेस्ट करा जाइथिला। आम जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट करूँ एसएफएसएल तीन जन जगह रिपोर्ट आमको एसएफएसएल तरफ मिल सारी क्राइमब्रांचर तदंतकारी दल ये तीन टा जाक लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट और पूर्वर जो स्टेटमेंट रही बर्तमान तर्जमा करश्चित भाव तर्जमा आम करें कौन मिसमैच होता है अधिक बढ़ी पार रिपोर्ट के महानदी में हाथी मृत्यु घटना उपरे पीसीसीएफ को प्रतिक्रिया क्यों परिस्थिति रे हाथी मल्ला तहार तदंत हेबो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आमे अपेक्षा करिछु। तदंत परे केही दोषी जना पड़िले कार्यानुष्ठान हेबो बोली से कहिछंती। हाथी पलर समस्त हाथी नदी पार हो गले हाथीटी सबल थी गोटे एपरी जगार फसीगला बाहरी पारा ना। तेबे बड़ बड़ संस्थार वन्यप्राणी विशेषज्ञों सह आमे आलोचना करिछु बोली से कहिछंती। तारा तदन चली जहाँ मैंने वर्तमान सुधा आम जी देखी से गोटे नेचुरल घटना भाया मानते पाटा बेसा से बोक पड़े से तो वर्तमान सुधा लगुच कि तदन चली जी कार से किसी ये थी अवहेला थी तो निश्चय किसी ना कि सुंदरगढ़ जिला बणाई अंचल पुणी सामना को आसला अपपुष्टि जनित घटना। अपपुष्टिर शिकार गुरुतर शिशु एवं राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना परिसर शिशु विभाग में लोहुणीपड़ा दमाड़ा गांव में अपपुष्टिर शिकार हो इंदु तुरी दुई शिशु मृत्यु घटना मन को लिभिनता बेले पुणी थे बाबे हिहुड़ी गांव सामना को आउ एक अपपुष्टिर शिकार घटना। दीर्घ दिन हेब अपपुष्टिर शिकार हो प्यारी मुंडा 10 मासर झील सालीना मुंडा एवं मृत्यु सह संग्राम करुछि। जेउठी 10 मासर शिशुर ओजन प्राय 10 केजी रहिबा कथा सेठी ओजन अछि मात्र 2 केजी। एथिरु प्रमाणित हेउछि सुंदरगढ़र केमिति काम करुछि स्वास्थ्य विभाग अंगनवाड़ी आशा कर्मी एवं सरकारी योजना। बर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय सरिछि विदाय दिंतु। नमस्कार।